पास। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? तो चलिए आप लोगों को हम डिज्नीलैंड का सैर कराते हैं। ये बोकारो में लगा है ये मेला, सेक्टर 4 में, मजदूर मैदान में। हमेशा यहाँ कुछ ना कुछ मेला लगते ही रहता है। तो देखिए, एंट्री फीस यहाँ का 20 रुपया है। तो हम लोग एंट्री कर चुके हैं डिज्नीलैंड का। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। अब देखिएगा, मेरा बाबू का शरारत स्टार्ट हो जाएगा। ये चाहिए, वो चाहिए। चलिए आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या सेल में आया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मिठाइयों का दुकान लगा हुआ है। खास्ता मिठाई, जलेबी, कचौड़ी, ये सब यहाँ पे मिल रहा है। यदि आपको मेला में घुसते ही आपको भूख लग रही है तो आप सबसे पहले स्नैक्स में कुछ खा लें यहाँ पे, उसके बाद में पूरा मेला का सैर करें। तो देखिए, थोड़ा हम लोग जल्दी आ गए थे, इसकी वजह से स्टॉल थोड़ा भी बंद है। एक तो यहाँ पे देखिए, 100 रुपये का है ये सब। जो लेना है वो लीजिए, सिर्फ 100 रुपये में। पर मेरे को कुछ पसंद नहीं आया तो मैं नहीं ली, पर जिनको पसंद आएगा वो ज़रूर ख़रीदेंगे कुछ ना कुछ। तो आप बोकारो में हैं और बोकारो में हैं, उसके बाद आप बिजली मेला नहीं घूमें, फिर क्या घूमें आप? तो ज़रूर सब जिसको जिसको पसंद है वो जाइए डिज्नीलैंड का मेला का मज़े लीजिए, और कुछ मन करे तो ख़रीदारी करिए। ये देखिए, कोट हम देख रहे थे, वो कोट यूज मैंने क्या बोलते हैं, जो सेल करते हैं दुकानदार हैं, वो भाई साहब का था। वो हमको लगा ये सेल के लिए है। अब ये देख सकते हैं, मेरा हाथ में जो चप्पल है वो बहुत अच्छा मेरे को लगा, लेकिन मेरे साइज का था नहीं। ये 7 नंबर का था, लेकिन मेरे को बनता है 6 नंबर का। इसका दूसरा भी कलर था, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं आया। और ये भी बहुत सस्ता था, सिर्फ 150 रुपये का, मात्र 150 रुपये का ये चप्पल था। 150-200 बस दो ही रेट है यहाँ चप्पलों का, जो लीजिए 150-200 में ही मिल जाएगा। तो अच्छा सामान आया हुआ है, आप कम बजट में अच्छा खासा शॉपिंग कर सकते हैं जा कर के डिज्नीलैंड मेला में। बहुत वेरिएंटर है चप्पल का, साथ में जूता भी है कहीं कहीं स्टॉल में। तो आप लोग ज़रूर जाइए, चप्पल जूता सामान और किचन का सामान, सिंगार का सामान, कपड़ा वगैरह आप ख़रीद सकते हैं कम बजट में ही। आप फोर जाएंगे तो कितना पैसा लग जाता है, लेकिन ये मेला में कम बजट में भी आप ये सारे शॉपिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ऊपर मौजरी है, तो मौजरी भी बहुत अलग अलग तरीके का मिल रहा है। ये देखिए पर्स है यहाँ पे, आप किस तरह का पर्स लेना चाहते हैं उस तरह का, बहुत तरह का वेरायटी है पर्स में भी। अब पर्स में भी ज़्यादा रेट नहीं है, 200-300 का ही रेट है, यानी कोई भी सामान लीजिए 300 से ऊपर है ही नहीं। तो मेरे को एक पर्स पसंद भी आया तो भैया ने मेरे को दिया नहीं, भैया बोल रहे थे उसका 300 रुपया, हम उनको बोले 200 रुपया में दीजिए, तो नहीं दिए तो हम छोड़ दिए। तो पर्स का भी बहुत सारा वेराइटी है, हैंड बैग, ऊपर टांगने वाला बैग और हाथ में रखने वाला पर्स जैसा, कोई भी तरीके का आप पर्स यहाँ पर जाके ले सकते हैं। बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन था यहाँ पर। अब हम लोग आ जाते हैं किचन का सामान में। ये सारे किचन का सामान जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सब सिर्फ 20 रुपया का। हमने कि कोई एक सामान लीजिए 20 रुपया में ले लीजिए, यानी कोई भी एक सामान को आप पसंद करिए और आपको सिर्फ 20 रुपये से ज़्यादा नहीं देना होगा। तो इस तरह के यहाँ पर सामान आए हुए थे, इसलिए आप लोग को बार बार हम बोल रहे हैं कि अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर, यानी कम बजट में बहुत सारे आप सामान खरीद पाएंगे। ये देखिए, पैसा रखने वाला है, ये मंकी शेप में बनाया हुआ है, कितना क्यूट सा है ना। जिसको जिसको पसंद है वो ले जाएं, कछुआ का शेप में भी है। और आप ये देखिए, कुछ सामान रख के ढक्कन रखने वाला भी है। तो सबसे ज़्यादा क्यूट तो हमको लगा वो मंकी वाला, पैसा रखने वाला। तो हम एक ज़रूर ले जाएंगे घर अपना खरीद के इसको। ये देखिए, बहुत सारे लेडीज और बहनों लोग ने मेरा यहाँ पर ख़रीदारी कर रही हैं। कटोरा, प्लेट बहुत अच्छा अच्छा है यहाँ पे, चम्मच। ये देखिए, छोटे बेबी लोग खाना नहीं खाते हैं, तो इतना अच्छा सा प्लेट में दीजिए तो ज़रूर उन लोग खाएंगे। ये देखिए, 100 पीस के लिए कछुआ यहाँ पे रखा हुआ था। और आप सोच रहे होंगे इतना अच्छा सा सामान बहुत ज़्यादा रेंज होगा, ऐसा नहीं है, बहुत कम बजट में ये सारे सामान आप लोग ख़रीद सकते हैं। तो भाइयों बहनों, जिनको जिनको पता नहीं है वो मेरा वीडियो देखिए और जाइए जल्दी से जाके डिज्नीलैंड में शॉपिंग करिए। ये सब जो अब कप देख रहे हैं, ये बहुत सस्ता है, कलरफुल वाले, सिर्फ 50 से 60 रुपये में हमको लगता है 6 पीस ये दे रहे थे भैया। ये देखिए, छोटा छोटा शो पीस है बना हुआ, डक ये वो लंथन।
अभी आप देखिए यहाँ पे नीचे रखा हुआ है गमला, जिसमें आप हम लोग तुलसी जी लगा सकते हैं, कोई पौधा लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा था। अब आगे जब हम लोग आए तो यहाँ पे देखिए लुधियाना का कुछ सेल लगा हुआ है, लुधियाना का कपड़ों का, ये भी स्वेटर वेटर में ही है, तो इसमें भी देखिए आप सेल में ये सारे सामान हैं, तो जो पसंद है वो आप खरीद सकते हैं। ये देखिए चाबी का रिंग है, की है, बहुत अच्छा अच्छा है, क्यूट क्यूट सा छोटा छोटा सा है टेडी के रूप में, और क्या क्या बनाया हुआ है, आप लोग जाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा ये सब। ये देख रहे हैं नीचे कितना क्यूट क्यूट सा है, ये दरवाज़ा ना आप लगा सकते हैं, ये देखिए हार्ट शेप का है, ये पत्ता बना हुआ है, इस तरीके से बहुत सारा कलेक्शन है। अब ये देखिए दरवाजे में या फिर दीवार में कहीं भी लगा दीजिए, मोबाइल भी रखिए साथ में, चाबी भी आप उसमें लटका दीजिए, तो अच्छा कलेक्शन है। आप ये देखिए एक अलग शेप में ये भी बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव मॉम एंड डैड, रेंज भी ज़्यादा नहीं है, तो आप तो को जाना ज़रूर चाहिए। ये देख रहे कितना खूबसूरत खूबसूरत चाबी का रिंग है, रेमबो सूज सूज बना हुआ छोटा छोटा क्यूट क्यूट सा बॉल्स है, तो बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है बहुत कम रेंज में। तो हम लोग तो गए हुए हैं आए हुए हैं तो बहुत सारा शॉपिंग कुछ ना कुछ खरीदारी होगा ही होगा। अब यहाँ भी देखिए, अब ये सब है किचन का सामान जो घरेलू यूज में हम लोग का रोज़ होता है, तो जिनको कपड़ा वपड़ा वगैरह नहीं लेना है वो सब ना ले, लेकिन ये सब ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत अच्छा सा सामान है घर के यूज के लिए, और अच्छा कलेक्शन है, ज़्यादा दाम भी नहीं है, तो हम लोगों को जो जो पसंद आएगा वो सब हम लोग ख़रीदने वाले हैं। तो मैं वीडियो ही बना रही हूँ इसकी वजह से मैं देख नहीं रही हूँ, और मेरा आर्यन राज और मेरे हस्बैंड पता नहीं किधर घूम रहे हैं, इन लोग अपना ही दुनिया में मज़े कर रहे हैं। तो आप लोगों का मेरा ये ब्लॉग्स कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट जगह पर जाऊँ कभी भी तो ज़रूर ब्लॉग्स बनाऊँगी। ये देखिए यहाँ चूड़ियों का कलेक्शन आ गया, एक से एक चूड़ियों का कलेक्शन है यहाँ पे, हर तरह का सिल्वर गोल्ड ऑरेंज। अब आप देखिए मेरा बाबू बंदूक ले लिए हैं हाथ में, ये बोलते हैं हम पुलिस वाला बनेंगे और ऐसे टांगेंगे जिस तरह से पुलिस लोग टांगते हैं ना उस टाइप का, पर उस टाइप का तो था नहीं ये, ये है बलून फोड़ने वाला, जिसको मन करता है 10 बलून फोड़ेंगे और कुछ पैसा लगेगा। तो मेरे बाबू को आता नहीं चलाने के लिए, जिसकी वजह से वो बंदूक उठा के देखें फिर रख दिए वापस। अब ये देख रहे होंगे स्लेट के जैसा कुछ दिख रहा है, पर ये बहुत ही अच्छा चीज़ था, उसमें आप कुछ भी लिखिए बटन दबाइए इरेज हो जाता है, नहीं मिट जाता है सब। तो यहाँ पे दाम ज़्यादा था इसके वजह से हम लोग लिए नहीं, मेरा आर्यन राज बोल रहे थे लेने के लिए, वहाँ पर दे रहे थे भैया 140 में, पर हम ऑनलाइन देखे 120 में ही दे रहा था ऑनलाइन में, तो हम लोग सोचे क्यों ना ऑनलाइन मंगाया जाए, इसकी वजह से हम लोग मेला में ये स्लेट लिए नहीं। अब ये देखिए खिलौना का कलेक्शन है, कितना सारा खिलौना है, एक से एक खिलौना, पर मेरा आर्यन राज के पास बहुत सारा खिलौने थे, इसकी वजह से हम लोग खिलौना नहीं लिए। ये देखिए ये वही स्लेट का है, ये इस तरह से मेरा आर्यन राज, अब देखिए आपको लिख के कुछ दिखाएंगे, ये देखिए बटन दबाते ही वो मिट जाता है, तो ये मेरे को बहुत अच्छा चीज़ लगा। देखिए आर्यन राज अपना नाम लिखेंगे, अब इनको हम बोले हैं कि बाबू अपना नाम लिख के दिखाइए, तो ये अपना नाम लिख रही है यार YAN, तो इसको हम लोग ऑनलाइन स्लेट को मंगाने वाले, बहुत अच्छा है। ये देखिए मैजिक बॉल है, थोड़ा सा उसको ज़ोर से नीचे पटकिए उसमें अब लाइट चलेगा, तो ये भी मेरे बाबू पास ऑलरेडी घर में था। अब यहाँ पे देखिए पब्लिक मनोरंजन स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें आप है कि कुछ भी फेंकिए उसके बाद वो सामान को जीतिए, पर हम लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं थे तो वो चीज़ किए नहीं। अब मेरा बाबू आ गए झूला में, अब मेरा बाबू झूला में बैठ गए हैं घोड़ा वाला में, पर हम जैसे कि आप लोग को बताएं कि ये हम लोग थोड़ा जल्दी चले गए थे, तो इसके वजह से झूला वाला जो दुकान वाले थे वो भैया नहीं थे वहाँ पर, बाकी दूसरे झूला वाला में भैया थे, जिसमें मेरे बाबू और हस्बैंड चढ़े हैं मज़े किए हैं। ये देखिए स्टॉल लगा हुआ है कलकत्ता, क्या लिखा हुआ था पिज़्ज़ा वाला लिखा, यहाँ पिज़्ज़ा का स्टॉल है,
बर्गर और पिज्ज़ा का, तो जिनको जिनको खाने का पसंद है, मानी कि ये क्या बोलेंगे, मेला भी घूमिए और पेट भी भरिए। तो ये देखिए पिज्ज़ा है, और भैया को बोलने पर भैया बना के तुरंत दे देंगे फटाफट। यहाँ पे पाव भाजी बनता है, तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, खाइए भी, मज़े भी करिए, घूमिए भी, सामान भी खरीदिए। यहाँ पे भैया देखिए भेलपूरी बेच रहे हैं। ये बच्चों लोगों का नाव है, बोटिंग करते हैं बच्चे लोग, तो मेरा आर्यन राज क्यों पीछे रहेंगे, वो भी बोटिंग करने के लिए बैठ गए हैं अपना गाड़ी में। पहले तो डर रहे थे, फिर वो बोले कि हम भी उसमें जाएंगे। ये देखिए सेल्फी स्टिक है, पर इसका कितना, देखिए ओनली सिर्फ 50 रुपीज। कोई भी किसी को भी अपना सेल्फी स्टिक में फ़ोटो खिंचवाना है तो ज़रूर जाए और सेल्फी स्टिक का मज़े ले। ज़्यादा उसका रेट भी नहीं है, 50 रुपया है। इधर आप साइड में देख सकते हैं वूलन का बाज़ार लगा हुआ है, वूलन का कपड़ा मिलता है वहाँ पर, अच्छा खासा, मैंने अच्छा अच्छा ब्रांड का आपको मिल जाएगा वहाँ पर। आइए देखिए, हम लोगों को VIP पास मिला हुआ था, मेरे हस्बैंड को तो VIP पास में था कि 2-4 झूला भी फ्री था, एंट्री मैंने था, एंट्री भी फ्री था, तो हम लोगों को इसमें डबल मज़ा आया क्योंकि एंट्री भी फ्री हो गया और झूला झूलने का ऑप्शन भी फ्री हो गया। तो हम लोग जो घूमने के लिए गए थे उसमें 4 चांद लग गया VIP पास में। अब यहाँ पे देख रहे हैं कितना सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट सा हार्ट शेप में और कौन शेप में यहाँ पर बना। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट सा टेरी सब है, हार्ट शेप में बना हुआ है और कोई कोई शेप में भी बना हुआ है, पर ये छूने में बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्यूट क्यूट सा। यहाँ इधर डॉगी भी है, लायन भी है, क्या क्या बना हुआ है। जैसे कि आप लोग को बताए हैं कि मेरा आर्यन राज पहले जाना नहीं चाह रहे थे, अब देखिए ये बोटिंग में बैठ गए हैं और बहुत मज़े कर रहे हैं। इसमें पास हम लोगों का यूज नहीं हुआ क्योंकि इसमें पैसा हम लोग को अलग से पे करना पड़ा, 60 रुपया, क्योंकि पास में लिखा हुआ था 4 झूला ही आप झूल सकते हैं, उसमें ये शामिल नहीं था, तो इसमें हम लोग अलग से पैसा पे किए। अब देखिए मेरा ये बाबू और आर्यन राज, मेरा हीरो, दोनों चढ़ गए हैं ब्रेक डांस में। मेरे को भी बोल रहे थे कि आइए, पर हम नहीं गए क्योंकि ये सब झूला मेरे को पसंद नहीं आता है, मेरे को चक्कर आने लगता है, इसकी वजह से हम नहीं गए हैं। मेरा हस्बैंड और मेरा बाबू मज़े कर रहे हैं। मेरा बाबू अभी 4 साल का है सिर्फ, आप देख सकते हैं 4 साल का बच्चा ब्रेक डांस में बैठ के झूल रहा है। हम लोग दोनों, पापा बेटा दोनों मज़े कर रहे हैं। मेला आए या झूला ना झूले, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये मौका मेरे हस्बैंड और मेरा बाबू कभी नहीं गंवाना चाहते हैं। दोनों मज़े कर रहे हैं, देख रहे हैं, हाय कर रहे हैं उन लोग मेरे को। हाँ, मेरे को बोल रहे हैं आइए आप भी, पर बोले नहीं नहीं आप ही लोग जाइए, आप ही लोग मजे करिए, हमको नहीं आना। ये देखिए इन लोग को ब्रेक डांस हो गया है, मेरा बाबू का वेट नहीं, चश्मा नहीं है, रेड कलर का, इसमें सेंटर बना हुआ है। तो आप सबको मैरी क्रिसमस, और जाइए इंजॉय करिए और क्या बोलेंगे, नया साल में मेला घूमिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूले, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए और इंजॉय करिए। सबको मैरी क्रिसमस।